ये देखें जी कितनी तेज़ माशाल्लाह बारिश हो रही है। बाज़ार जाना था, कटिंग करवानी थी, लेकिन बाहर पानी खड़ा हुआ है तो अब हम जा ही नहीं सकते बाहर। तो जब तक ये पानी नहीं उतरता तब तक तो कोई काम नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रहा है? सबकी उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद अहमद। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं गया हुआ था दूध लेने, क्योंकि घर दूध ख़त्म हुआ था और सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता वगैरह करना है अभी, तो इसलिए दूध वगैरह लेने गया हुआ था जी। तो मैं इधर ऊपर छत पे आया हूँ और बड़े ही कोई ज़बरदस्त किस्म का मौसम हुआ है, चेक करवाता हूँ आपको। और ये बारिश भी हो रही है, वो देखें सुबह सुबह ही। मुझे लगता है आज बाकी काम नहीं होने। जी तो बारिश हो रही है तेज़, तो अब चलते हैं नीचे। और ये देखें जी, हमने ऊपर छोटा सा रूम बनाया हुआ है जनरेटर के लिए और गीज़र के लिए। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि जनरेटर ऊपर है तो यानी कि इसको चलाने के लिए ऊपर ही आना पड़ता है। तो इसमें दो फंक्शंस होते हैं, यानी कि एक आप ऑटोमेटिक करवा लें, जैसे ही लाइट जाए तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, लेकिन हमने वो नहीं कराया हुआ। हमने कराया हुआ है कि आप यानी कि लाइट जाती है तो जस्ट आप जाके नीचे ही स्विच लगाए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जाके, तो वहाँ से इसको स्विच ऑन करें तो जनरेटर ऑन हो जाता है। ये देखें जी, ये स्विच लगा हुआ है, यानी इसको पुश करें तो जनरेटर ऊपर से ऑन हो जाता है। ये देखें जी कितनी तेज़ माशाल्लाह बारिश हो रही है, पर अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पानी हर तरफ हो जाना है, वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा आपको। अच्छा जी, बारिश तो रुक चुकी है अभी, लेकिन पानी भाई बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया और बाकी अभी कोई काम नहीं हो सकता। बाज़ार जाना था, कटिंग करवानी थी, लेकिन बाहर पानी खड़ा हुआ है तो अब हम जा ही नहीं सकते बाहर। तो जब तक ये पानी नहीं उतरता तब तक तो कोई काम नहीं हो सकता। तो आए आपको दिखाता हूँ कि बाहर कितना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। ये देखें जी, ये देखें बंदे भी पानी में से ही आ रहे हैं। हर जगह पानी खड़ा हो गया है जी। तो बाकी सारा दिन ऐसे ही पानी खड़ा रहा, तो कोई काम वगैरह नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं ऑफ़िस चला गया था शाम को, 6 से 1 बजे तक मेरी ऑफ़िस टाइमिंग होती है। तो जैसे ही ऑफिस ऑफ हुई है, यानी 1 बजे ऑफ हो गई थी, तो फिर सारे कलीग्स वगैरह मिल गए। उधर टेबल टेनिस भी पड़ा हुआ, तो टेबल टेनिस की गेम्स वगैरह लगाई वहाँ पर, थोड़ा शुगर मेरा लगाया। तो ऐसे ही फिर वहाँ पर 2-3 घंटे लग गए, यानी 1 से लेकर फिर तकरीबन 3:30 बजे तक हमने गेम्स वगैरह खेली सारों ने मिल के। फिर मैं घर आ गया और अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 6 बज रहे हैं और भूख लगी हुई है, तो नींद भी आई हुई है लेकिन भूख लगी हुई है, तो ऐसे सोने नहीं होना। तो अभी जाएंगे कोई नान चने वगैरह ले के आएंगे, नाश्ता वगैरह ले के आते हैं, नाश्ता करके फिर सो जाएंगे। फिर अगर जल्दी उठ के तो बाकी काम कर लेंगे, नहीं तो सीधा ऑफिस। इस स्कूल में मैंने 9th-10th की थी। ये देखें जी, नान चने आ गए हैं और अब खा के तो सो जाएंगे। अच्छा जी, तो फिर मैं जब सो के उठाऊँ तो सीधा ऑफिस आ गया था, और फिर हम ऐसे बाहर शहर जब ब्रेक हुई है तो फिर बाहर खाना शाना खाने गए हुए। अभी फिर 1 बजी और फिर हम यानी दोबारा टेबल टेनिस खेलने लगे हैं, शुक्र मेरा लगेगा अभी यहाँ पे से। तो बाकी यहाँ पे करते हैं जी ब्लॉग पॉइंट, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।